जय हिंद दोस्तों, यूडीसीआरए में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में होने वाले दूसरे ओडीआई मैच की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सब लोगों को मुबारकबाद जिन लोगों ने भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में हमारी टीम को फॉलो किया था। हमारी टीम लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ बाहर आई दोस्तों, मतलब इतना तगड़ा प्रदर्शन अभी आपको दिखाता हूँ। आप कहोगे कि सर टीम का प्रदर्शन तो दिखाया करिए, तो चलिए दोस्तों ये देखिए, ये टीम थी जो आपको 7 मिनट पहले, यानी कि आपके पास पूरा टाइम था टेलीग्राम पे टीम को अपनी चेंज करने का। इस टीम में आप देख सकते हो केवल और केवल हमारे, वैसे तो 865 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके इतने आए भी नहीं होंगे कल। लेकिन अगर मिचेल मार्श की जगह कल कोई और कैप्टन होता, जैसे कि राहुल होता, वीसी अपना गायकवाड होता, या स्मिथ होता, या वार्नर होता, या शामिल, चलो बात ही अलग है, लेकिन मिचेल मार्श को बहुत लोगों ने कैप्टन बना था और वो बनता भी था, वो इम्पॉर्टेंट प्लेयर था। लेकिन आप सोचिए, अगर एक प्लेयर इसकी जगह पे कोई और, मेरा वी सिर्फ एक प्लेयर का चेंज था और जीएल मेरी थी, है ना। प्रदर्शन देखिए दोस्तों, हेड टू हेड में बंदा दूसरा और आपके भी लगभग 766 भी नहीं शायद आपके होंगे, ये भी बंदा तगड़ा था तो 766 पॉइंट ले गया। वो तो बेचारे की मतलब कि चलो किस्मत ख़राब है कि यूडीसीआर से पंगा पड़ गया उसका, अदरवाइज वो जीत जरूर जाता, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के 650-690 के आसपास पॉइंट्स गए हैं। वो इसकी, चलो बेचारे की किस्मत ख़राब थी कि इसका पंगा मुझसे पड़ गया और हमसे 100 पॉइंट्स से दोस्तों, 99.5 लगभग 100 पॉइंट्स से ये मुझसे हार के गया, वो भी हेड टू हेड की टीम से दोस्तों, ग्रैंड लीग की टीम नहीं, हेड टू हेड की टीम से इतने बड़े मार्जिन से मुझसे हार के गया। और ऐसा नहीं कि अकेला कल की टीम हमने बढ़िया दिया दोस्तों, पूरा एशिया में हमारी बादशाहत कायम थी, एशिया कप जितना भी गया, वर्ल्ड, पूरी दुनिया में भी बादशाहत कायम होगी दोस्तों, वर्ल्ड कप आ रहा है। ये देखिए जो फाइनल मैच था, सिराज अपना कैप्टन आपको दिख रहा है ना, केवल 20-22 ओवर का टोटल मैच हुआ था और हमारे 500 प्लस पॉइंट आ गए थे यहाँ पर भी। और अगर कहीं मैच पूरा होता है तो भी हमारे दोस्तों 1000 पॉइंट्स आते हैं। आईपीएल बोल गया, क्या था, एशिया कप, भारत और बांग्लादेश का जो मैच था दोस्तों, हमारी बादशाहत कायम यहाँ पर भी थी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी इफ्तिकर कैप्टन क्या बना दिया, 855 पॉइंट दोस्तों, 974 पॉइंट, धोनी थवेला आगे को कुछ जानता तक नहीं था और यूडीसीआर ने विजिट ढोक दिया था उसको। ये टीम आपको भी मिली थी दोस्तों, आपको कहाँ पे मिली थी, दो प्लेटफॉर्म है, हमारा यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, दबाओ यार, जुड़ जाओ यूडीसीआरए के साथ। और दूसरा दोस्तों, सब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे ये टीम आपको मिलती है यार, ये देखिए, अरे अरे विनिंग दिखाई हुई है, क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। हालांकि मैंने ये तो इसने, अच्छा जो मैच पूरा नहीं हुआ था वो वाली डाली है इसने, मतलब जो मैच आधा था अभी, है ना, क्योंकि 762 पॉइंट है ना यहाँ पर, तो मैच चल रहा है अभी, देखो ना यहाँ पे, देखो 110 स्कोर अभी मैच चल रहा है, तो अभी 762 पॉइंट और इसके 685, ये तो मैच पूरा नहीं हुआ था, मतलब शुरू से बंदा बहुत पीछे चल रहा था। और देखो जीएल में भी रैंक अपना 230 आया है, वो भी कितने बंदों में, लगभग 5000 बंदों में, तो आप समझ सकते हो यूडीसीआर की टीम में कितना कितना दम था, है ना। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, है ना, लिंक इसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये देखिए, जो बंदे हमारी टीम्स की वजह से मजे ले रहे हैं, लाखों में पैसों में खेल रहे हैं, पैसों पे सो रहे हैं, क्या बात है, करोड़ों कमा रहे हैं, आप भी कमाना चाहते हो, अरे सब्सक्राइब तो करो टेलीग्राम पे और उस पर अपना यूट्यूब पे, कमेंट तो पढ़ो, थर्ड रैंक आया इसका 1800 बंदों में, आपका 100 बंदों में आ जाए, आप झूमते फिरते हो, सबको बताते फिरते हो मेरा ड्रीम 11 में 3 रैंक आ गया, 100 बंदों में इसका 1800 में आया है, समझ रहे हो बात, जबरदस्त वीडियो, नाइस वीडियो। दोस्तों एक बात और, इसका कमेंट पूरा पढ़िए, इसका 1800 में 3 रैंक क्यों आया, आपकी सारी वीडियोस बिना स्किप किए मैं पूरी देखता हूँ, है ना, ये जो 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी ना, एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी से 20 मिनट निकाल के ये वीडियो देख लीजिए, आपको ना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत मेहनत मैंने कर ली है ना आपके लिए। अब देखिए ना, ये 70,000 जीत गया, ये कोई बंदा 2 लाख जीत गया, ये कोई बंदा 75,000 जीत गया, ये हेड्स ऑफ कह रहा है, तो आप समझ सकते हो। ये देखिए दोस्तों, लोएस्ट कमीशन, बैट बॉल द बेस्ट है यार, ओए होए 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 दोस्तों। अब देखिए, दिमाग की बात है, 1 मिनट लगे, ध्यान से सुनना, आईफोन लॉन्च हुआ है कल शाम को, लॉन्च हुआ है ना 15 वाला। अब देखिए, आप चाहते हो कि अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हो तो आपका लगभग 1 लाख रुपये राउंड में लगेगा, है ना, 1 लाख के आसपास होगा ये फ़ोन, है ना। अब आप कहोगे कि सर मुझे ये फ़ोन तो लेना है लेकिन मैं 1 लाख रुपये खर्च नहीं करना चाहता, तो आपको एक डील बताऊं, ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो आप कैश ऐड करते हो, है ना, आप डिपॉजिट करते हो और उसके बाद उस डिपॉजिट से खेलते हो, और अगर आप जीत जाते हो तो उतना का उतना डिपॉजिट आपको वापस मिल जाता है, आप विड्रॉ कर सकते हो उसे, है ना, यानी कि
मान लीजिए आपने 10,000 डिपॉजिट कराया और 10,000 से खेला और 10-12 हज़ार जीत गए, या अगर लॉस में भी रह गए 7-8 हज़ार भी अगर आप जीत गए, है ना। मान लीजिए आप 7,000 जीत गए, 3,000 के लॉस में चले गए, है ना। लेकिन वो आप 7,000 निकाल तो पाओगे। अब बड़ा सोचिए, थोड़ा सा बड़ा सोचिए। आपने डिपॉजिट कराया 10 लाख रुपया, ठीक है, 10 लाख, चलो 1 लाख पे चलते हैं। आपने 1 लाख रुपये का फ़ोन है, ठीक है, आपने 1 लाख ही डिपॉजिट कराया, यानी कि आपने फ़ोन खरीद लिया उस 1 लाख का, ठीक है। आपने 1 लाख डिपॉजिट कराया माई मास्टर 11 पे, है ना, और आपके घर में फ़ोन तो आ ही गया, आप सबसे बड़े डिपॉजिटर बन गए। लेकिन अब वो 1 लाख भी आपके बैलेंस में लोड पड़ा है। अब अगर आप उससे 70,000 भी जीत गए, 70,000 विड्रॉ करो, 30,000 का आपको फ़ोन पड़ गया, और अगर कहीं जीत गए 1.5 लाख आ गया, तो पैसा भी आ गया, फोन भी आ गया। समझा? अरे नहीं समझा दोस्तों, चेक करो साइट पे आते हैं सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किसने किया हुआ डेली है, और वो भी ये नहीं है कि आज ही आ जाए, डेली 30 सितंबर तक जो भी हाईएस्ट डिपॉजिट कराया, मतलब अगर आपने 10 लाख डिपॉजिट कराया, ठीक है, आईफोन आपके घर में आ गया, 10 लाख का आप खेलते रहो, 2-3 साल डिपॉजिट मत कराना, खेलते रहो। 1 लाख रुपया का खराब हो गया आपका, अरे माइंड लगाओ, फ्री में आईफोन आ रहा है यार। वो अगर 10 लाख का 20 लाख जीत भी गए तो आपके ऊपर आपकी किस्मत, है ना। इससे बढ़िया ऑफर मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हो तो एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कि अभी तक आज के दिन का हाईएस्ट डिपॉजिट कितना गया है, ठीक है। और अगर मैं आपको डिपॉजिट बता दूँ, आपको पता लग ही जाएगा ना कितना डिपॉजिट गया, उससे ज़्यादा आपको डिपॉजिट कर लेना है। वेरी सिंपल दोस्तों, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। तो वीकली है ये लीडर, इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, सो इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चेक करना है। और हमने चेक करना था ये कौन सी लीग में है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। हालांकि 17 लाख के आसपास चल रहा है शायद, लेकिन आप करवा सकते हो, कितनी कोई बड़ी बात नहीं, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं टेलीग्राम पे फोटो डाल दूंगा, लिंक आपको माई मास्टर 11 का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम, दोस्तों नॉटिंघम में मैच है, हमारी पिच रिपोर्ट तहलका मचा रही है, इंग्लैंड की टीम ने भी यहाँ पे तहलका मचाया हुआ है। लोएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका का है, 481 रन ठोक दिए थे उसमें, मतलब माशाल्लाह क्या बात है। पेसर्स का ग्राउंड है, लेकिन बैटर्स का ग्राउंड ये ज़्यादा है। पेसर्स को जस्ट फॉर्मेलिटी करने आते हैं, स्पिनर्स को जस्ट दोस्तों फॉर्मेलिटी से भी कुछ कमी करने आते हैं, बस वो कहते हैं कि हम तो 11 पूरी करने के लिए आ गए, यहाँ पे स्पिनर्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, है ना। आप बात करिए, टोटल मैचेस यहाँ पे 48 हुए हैं, 21 मैच पहले बैटिंग ने जीते हैं और लगभग उतने ही मैच 25 मैच बैटिंग सेकंड ने भी जीते हैं, तो कोई खास अंतर नहीं है। टॉस कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई 400-500 रन बन गया, हालांकि 500 नहीं बनेंगे, 400 बन सकता है, तो आप ये लगाइए कि मतलब आयरलैंड की, चलो क्या बोले, अब बात ख़त्म करते हैं। रिसेंट मैच जो 16 सितंबर को यहाँ पे हुआ था, वनडे मैच ही हुआ था, लैंसाशायर और लैंसेस्टर शायर और हैम्पशायर के बीच में हुआ था। हैम्पशायर वो मैच दोस्तों क्लोज मार्जिन से वो हार गई थी, 267 रन इन्होंने बनाए थे, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा था इनके एक बॉलर का दोस्तों, है ना, एक बॉलर का इनका योगदान रहा था, हालांकि ऑलराउंडर दोस्तों हैरी का। सैम इवंस ने भी अच्छी बैटिंग की थी दोस्तों, और ऊपर ऊपर हिल ने भी अच्छी बैटिंग की थी। लेकिन जो मुझे दिखाना है दोस्तों, विकेट सारे आपको पेसर दिखेंगे, दूर दूर तक आपको कोई स्पिनर नहीं दिखेगा, है ना। और एक और मैंने चीज़ नोटिस की है, जो फर्स्ट इनिंग्स हो रही है उस पर दोस्तों टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, उसमें मिडिल ऑर्डर चल रहा है। जो सेकंड इनिंग्स है उसमें टॉप ऑर्डर चल रहा है और मिडिल ऑर्डर दोनों चल रहे हैं, तो ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखना। 5 सितंबर को भी मैच हुआ था, यहाँ पर भी आपको सारे दूर दूर तक दोस्तों सेंटर को छोड़कर पेसर ही दिखेंगे। ये देखिए आप, अरे हाँ हो आ गए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये T20 मैच है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली चलते हैं पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो हेडिंग ले क्रिकेट ग्राउंड दोस्तों फीचर्स करता है, फास्ट पिच है दोस्तों, फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्पफुल है, लेकिन बैटिंग पिच है, है ना। बॉल यहाँ पे शुरू शुरू में स्विंग जरूर करता है, दैट्स वाई मैंने बोला फर्स्ट इनिंग्स में पेसर्स को ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा, वो भी केवल इनिशियल ओवर्स में, दैट्स में विकेट ज़रूर मिलेंगे। ज़्यादा इस साइड पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और मैं चाहता हूँ आप खुद पढ़ो। अगर मुझे ही बताना होता दोस्तों, तो फिर मेरा लिखने का क्या मतलब था, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर रहे हैं कॉपी भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो। एक सेकंड के लिए मैं रुकूंगा, जो बंदा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका ले सकते हैं, HD है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी जूम कर लेना फटेगा नहीं। वेदर 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 अच्छा हुआ, आपको खुश होने का मौका मिल गया। अब आप कहेंगे सर खुश कैसे, दोस्तों चेक तो करो, अरे चेक तो करो, बारिश है ही नहीं, जीरो भी आ रहा है, बीच में कोई बारिश नहीं है दोस्तों, बादल भाई रहेगी, यानी यानी क्या,
अरे ओवरकास्ट कंडीशंस है, पेसर्स धमाल मचा सकता है, लेकिन लेकिन अगर कहीं इंग्लैंड की बैटिंग आ गई तो दोस्तों बॉलिंग करना भूल जाएंगे आयरलैंड के बॉलर्स। ये दोस्तों आपके लिए पिच का फोटो लेके आए हैं हम लोग, आप देख सकते हो। साथ में भारतीय यानी कि कोई इंडिया के मैच वाला कोई मैच होगा जिसमें हमने फोटो लेके आए हैं। ग्रीन देखिए दोस्तों, पिच दिख ही नहीं रही कि साली पिच कहाँ पे है, मतलब टोटल ग्रीन विकेट है दोस्तों, टोटल ग्रीन विकेट है, तभी तो बोल रहा हूँ यहाँ पे घास छोड़ा जाता है। ये लो, कोई बता सकता है पिच कहाँ पे है? कोई नहीं बता सकता। ये दोस्तों रिकॉर्ड दिखाने का ज़्यादा फायदा नहीं है, सब लोग जानते ही हैं कि आयरलैंड की टीम कुछ भी नहीं है, दोनों पड़ोसी मुल्क है हालांकि, और आयरलैंड के महान प्लेयर भी रहे हैं जो इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, यानी कि ऑन मॉर्गन दोस्तों, मॉर्गन ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया जबकि वो आयरिश प्लेयर है दोस्तों, आयरलैंड से आते हैं वो। 14 मैचों में 10 मैच यहाँ पे इंग्लैंड जीता है। प्लेइंग 11 की बात करें, फिलिप सॉल्ट क्राली को कैप्टन बनाया गया है दोस्तों, जेमी स्मिथ है दोस्तों विकेट कीपिंग ड्यूटीज निभाएंगे हालांकि सॉल्ट करेंगे, बेन टकेट हैं, विल समिद नहीं समिद नहीं सॉरी दोस्तों, विल जैक है, सैम हेन है, ओवरटन तो काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, रेहान अहमद है, बायडन क्रेज है दोस्तों, लुक वुड है और स्क्रिमशॉ है दोस्तों। स्क्रिमशॉ देखेंगे अभी क्या कर रहे हैं। फिलिप सॉल्ट दोस्तों 25 और 47 यानी कि 86 भी है, एक इनिंग्स बढ़िया खेल रहे हैं तो टीम में लिए जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए हो सकते हैं। देखिए जरा वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही दोस्तों, चेक करें, 11 मिनट की हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 10 मिनट और लगेंगे है ना। क्रॉली टीम के कैप्टन, लेकिन फॉर्म बिल्कुल डाउन टू अर्थ कुछ भी नहीं है दोस्तों, हालांकि बंदे भी डाउन टू अर्थ है लेकिन परफॉर्मेंस तो अप रखे हैं दोस्तों, परफॉर्मेंस अप नहीं आ रही, टेस्ट प्लेयर है, पता नहीं अब यहाँ पे क्यों खेल रहे हैं। जेमी स्मिथ फॉर्म देखिए, फॉर्म 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 क्या बात है, 52 38 60, 3 बड़े इनिंग्स है दोस्तों, लिए जा सकते हैं। बेन टकेट ये बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है लेकिन कोई भी सिंगल डिजिट स्कोर केवल छोटा ही है एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। विल जैक ये प्लेयर दोस्तों T20 का प्लेयर है, ये इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा कामयाबी इसकी नहीं दिख रही, और वैसे भी स्पिन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे बॉलिंग का। सैम हेन ये बहुत तगड़ा प्लेयर है, परफॉर्मेंस उतनी तगड़ी नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो 33 16 30 कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं क्रेग ओवरटन, उससे पहले दोस्तों फिर एक बात, अब आ रही है, मे बी आई एम ऑडिबल, लेकिन मुझे एक बार चेक जरूर करना पड़ेगा कहीं मैं बोलता रहूँ और आपको सुने ही ना, तो ये मैं बोल रहा हूँ ये अब देखा ना, तो अब वॉइस आ रहा है ना, अब वॉइस आ रहा है, और देखा ना मैं म्यूट कर दूँ, बटन दब गया ऐसा मुझसे। ओवरटन को लिया जाएगा, रेहान 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, ये बढ़िया बजा रहा है, लेकिन पेसर बाइडन क्रेज परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है दोस्तों इसकी। लुक वुड ये बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, विकेट लेस तो रहे ही नहीं कभी दोस्तों, हर मैच में विकेट है दोस्तों, हर मैच में विकेट लेस है ये। स्क्रिमशॉ बॉलर ये भी तगड़ा है, लेकिन अरे हल्की सी मिचेल स्टार्क की थोड़ी सी कॉपी की है इन्होंने। स्टार्टिंग के ओवर्स कौन करेगा? वुड करेगा, स्क्रिमशॉ करेगा, ओवरटन करेगा, ओवरटन के भाई भी बढ़िया हैं, जमी ओवरटन, रेहान अहमद, वेल जैक, बायडन क्रेज। डेथ बॉलर्स की बात करें तो बाइडन क्रेज, वुड और ओवरटन ज़्यादा रहेंगे टीम में, बाइडन क्रेज उतना नहीं रहेंगे। दोस्तों अवेलेबल ही नहीं है, क्यों? अरे नए प्लेयर है, फिलिप सॉल्ट भी नए प्लेयर है और ये क्रॉली भी नए प्लेयर है, जेमी स्मिथ भी नए है, डकेट भी नए है, विल जैक भी, हेन भी, सभी नए हैं दोस्तों, टीम बदल दी है इन्होंने पूरी अपनी। पॉसिबल प्लेइंग 11 आयरिश साइड दोस्तों, आयरलैंड की टीम, पॉल स्टार्लिंग, एंडी मैकबेलवरिन, लॉर्कन टकर, हैरी टेक्टर, कुर्तिस कैंपर बढ़िया प्लेयर, टकर के बाद जॉर्ज डॉकरल, ग्रेथ डिलेने, अडायर बढ़िया प्लेयर, मेकार्थी बढ़िया प्लेयर, यंग बढ़िया प्लेयर, और जोशुआ लिटल, ये आईपीएल भी खेल चुके हैं हालांकि स्टर्लिंग भी खेल चुके हैं। 11 मैचों में 30 की एवरेज से इस बंदे ने इंग्लैंड को धोया है, एक बड़ी इनिंग्स है लेकिन इंग्लैंड के सामने निकलेगी कि नहीं निकलेगी वो मुझे पता नहीं, हालांकि इस बंदे का रिकॉर्ड है ये अंतिम मैच में चलता है तो अभी अंतिम मैच नहीं है। एंडी बेलवरीन 72 रन की एक बड़ी पारी है, इनके अलावा कोई पारी नहीं है इनकी। लॉर्कन टक्कर ये बढ़िया फॉर्म में, 38 38 30 ठीक ठाक रन बना रहे हैं। हैरी टेक्टर ट्रैक्टर दोस्तों फॉर्म साइकिल के बराबर है दोस्तों, कोई फॉर्म नहीं है इनकी। कुर्तिस कैंपर ओए होए 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 क्या जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है बंदा दोस्तों, ये देखो 98 39 32 101, हा, जबरदस्त एक, और ये 127 रन की इनके अगेंस्ट एवरेज भी है, इनकी 5 विकेट भी है साथ में। डॉकरल डॉकरल 88 रन की एक बड़ी इनिंग्स है, ले सकते हो। ग्लेने डिलेने की बात करें, एक बड़ी इनिंग्स है केवल, पिछले मैच में आई है।
ये बढ़िया सो अडा यार, जो मैं बोल रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। देखो 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, ठीक है यार, 61 रन की पारी भी है, वेरी बेकार थी दोस्तों। जो आरिश साइड है ना, इनके जो डेथ बॉलर में भी जो बंदा स्कोर कर रहे हैं ना, उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि इनकी बैटिंग पूरी आएगी, ठीक है, समझ लो मेरी बात। तो 2 विकेट तो वेरी बेकार थी, लिया जाएगा, देखो 51 रन और बस एक ही है, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, तो ठीक है यार, लिया जा सकता है। यंग यंग को तो जरूर लिया जाएगा, अगर आयुष को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग देना चाहते हो तो क्रेग यंग को मत भूलना। मिडिल ओवर दो और डेथ बॉलर इनकी कौन करेगा, साथ में स्टार्टिंग में लिखा है अडायर, लिटल, बैरी और यंग। यंग टीम में रहेगा अडायर, रहेगा बैरी, मैकार्थी रहेगा, तीन रहेंगे, लिटल नहीं रहेगा। डेथ बॉलर्स की बात करें तो मार्क अडायर, लिटल, बैरी, मैकार्थी, लिटल शायद नहीं रहेगा, कुर्तिस कैंपर आ जाएगा ना उसकी जगह पे, मैचअप शायद आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों, नई टीम्स हैं। प्राइम प्लेयर्स की बात करते हैं, फिलिप क्रॉली और डकर, विल जैक, ओवरटन, रेहान, बाइडन और लुक वुड। वुड इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इनकी तरफ से क्रेग यंग इंपॉर्टेंट है, बैरी मैकार्थी और मार्क अडायर। ये बॉलिंग में कुर्तिस कैंपर आ गए, साथ में चार बंदे ये हो गए, बस चार बहुत है। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो क्या टीम रहेगी, अगर आयरलैंड पहले बैटिंग करता है तो क्या टीम रहेगी, अब ध्यान से सुनना। जब मुझे पता लगता है इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है तो इसका टॉप ऑर्डर का प्लेयर मैंने ले लिया, क्रॉली भी ले लिया मैंने और डकेट मिडल ऑर्डर भी ले लिया। जब मुझे पता लगता है कि इंग्लैंड बाद में बैटिंग कर रहा है तो मैंने टॉप ऑर्डर का एक बंदा बाहर कर दिया, दूसरा भी बाहर कर दिया और मेरे दोनों मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स को ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग मुझे कवर करनी है, इंग्लैंड की बॉलिंग कवर करने के चक्कर में ना मैंने एक बंदा थोड़ा सा पता कि फालतू ले लिया था, खैर, क्योंकि बाइडन ग्रेस की फिर अहमियत नहीं रहेगी, फिर मुझे चाहिए होगा रेहान अहमद स्पिनर, है ना। दूसरी टीम के प्लेयर सेम है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ट्रैक्टर केवल एक एडिशन के रूप में लिया था, बाकी टीम सेम है। तो दोस्तों ये टीम फाइनल नहीं है, फाइनल आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम पर, ठीक है। परफॉर्मेंस आप मेरी टीम्स की देख ही चुके हो, धन्यवाद।